भूषण ज्वेलर्स। जिला परिषद इकाई खंड सुजानपुर के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। गुरुवार को हड़ताल पर बैठे कर्मियों ने एक स्वर में सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए ताकि हम सब काम पर लौट सके। इकाई के महासचिव पवन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आज प्रदेश स्तर पर हमारी हड़ताल का 20वां दिन है। हम सब सरकार से लगातार यह मांग कर रहे हैं कि हमें विभाग में विलय किया जाए। प्रदेश सरकार हमारी मांग पर गौर करे और शीघ्र हमारे पक्ष में फैसला सुनाए। उन्होंने राज्य कार्यकारिणी के प्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जब तक सरकार हमारे पक्ष में कोई ठोस निर्णय नहीं लेती, हमें लिखित में नहीं देती, तब तक यह हड़ताल लगातार जारी रहेगी। इस मौके पर इकाई प्रधान मंजीत रागड़ा, उप प्रधान अश्विनी रागड़ा, महासचिव पवन कुमार, कैशियर रीता कुमारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। हम यहाँ पर आज हमारा 20वां दिन स्ट्राइक पे चला हुआ है। सरकार ने हमारी बिल्कुल अनदेखी कर रखी है, कोई सुध नहीं ले रही है हमारी, ना यहाँ में किसी बात पर नहीं बुलवा रही है। और इससे हम भी स्ट्राइक के पक्ष में नहीं, हम भी ये चाह रहे हैं हम अपना जो कार्यालय में जाएं और अपना काम सुचारू रूप से करें ताकि आम जनमानस को किस प्रकार की समस्या न हो। बाकी भविष्य में हम इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे सरकार हमारे से हमें वार्ता में बुलवाती है, हमारा समस्या का समाधान करने के लिए किसी पहलू पे स्टैंड लेती है, उसके लिए हम तैयार हैं। बाकी सरकार से हमें उम्मीद रखते हैं कि इन्होंने जो पहले वायदे किए थे वह उन्हें समय पर पूरा करेंगे। हमारी जो राज्य कार्यकारिणी है उनके साथ हम लगातार संपर्क में हैं, जैसे उनके ऊपर से हमें आदेश हो रहे हैं उसके अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं और उनके आदेशों के अनुसार ही हम आगे कार्य करते रहे हैं। सरकार द्वारा जैसे पंचायत सचिवों का कार्यभार सराय टीचर और जेएरएस को सौंपा चौकीदार सौंपे जाने के ऑर्डर कर दिए उन्होंने, लेकिन हमने इस स्तर तक पहुँचने के लिए विभागीय प्रशिक्षण करवाया जाता है और समय समय पर किया जाता है। इनको एक दिन का प्रशिक्षण करवाया गया उसके लिए संक्षम नहीं है, हमारे विवेक के अनुसार कि ये कार्य कर सके, पूरा संपूर्ण कार्य सौंप रहे हैं इनको, माइनस पावर भी दे रहे हैं इनको। तो सरकार मतलब मजाक ही कर रही है हमारे साथ भी और उनके साथ भी। सरकार से हम हमारी यही मांगे कि माननीय मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री जी से यही मांगे कि हमारा जो भी मांग है, एकमात्र मांग है, उसको शीघ्र पूरा किया जाए और हमें काम पर हम समय से लौट। सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट।